पांचवी सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन, फुल्ली बॉडी पे लेमिनेशन हो रही है भाई। लेमिनेशन करवाने के भाई तुम्हें मैं फायदे हजार बार में समझा चुका हूँ लेमिनेशन के क्या क्या फायदे हैं, और नहीं समझते भाई देखो ये रहा, ये देख रहे हो ये हल्की सी गिरी स्क्रैच पड़ा। एलोइस लगवाएंगे, अगर एलोइ लगवाए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कौन से लगवाए कितने के लगवाए। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। गाइज आज की वीडियो में बताने वाला हूँ भाई, थंबनेल तो देख के समझ गए होंगे आप, नहीं समझे तो दोबारा समझा दे रहा हूँ, समझ जाओ ठीक है भाई। आज की वीडियो में हम सामने देखो क्या खड़ी है, स्प्लेंडर खड़ी है। इससे प्रीवियस वीडियो जो आपने देखी थी उसमें मैंने आपको इसका डिटेल में रिव्यू दिया था कि कितना प्राइस है इसका, क्या है क्या क्या है ठीक है। तो आज वाली वीडियो में बताऊंगा आपको मैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई हुई है, और सबसे सस्ती मॉडिफिकेशन भाई, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता इससे सस्ती मॉडिफिकेशन हो पाएंगी और इतनी अच्छी लग पाएगी उसमें ठीक है। तो भाई चलो बिना टाइम वेस्ट के फिर से शुरू करते हैं, क्योंकि यार टाइम वेस्ट मैंने आपको बता रखा, टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए कभी भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके, देखो मीटर में आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, नहीं बताओ क्या दिख रहा है, ये दो स्विच दिख रहे हैं भाई ठीक है। तो स्विच में दिखा दूंगा आपको क्या है, देखो इस स्विच से होते हैं हैजार्ड, देखो जल गई हैजार्ड ठीक है भाई, पैटर्न भी चेंज हो जाता है ऑन ऑफ करके ही, दिख रहा है हैजार्ड भाई, जो कि अभी थोड़ा दिन ज्यादा तो दिख नहीं दे अच्छे से, पीछे से और दिखा दे रहा हूँ एक बार, देखो भाई क्या लग रही है ठीक है। ये तो इसमें है हैजार्ड, इस वाले स्विच से तो हैजार्ड ठीक है, इस वाले स्विच से है लाइट, देखो भाई लाइट जल गई भाई। ये भाई ने बढ़िया बात काम कराया, क्योंकि यार क्योंकि पूरे दिन भर लाइट जलती है उससे हमारा देखो लाइट खराब भी होती है यार, और मतलब बैटरी भी असर पड़ता है, तो उन्होंने स्विच लगवा दिया है ऑन ऑफ करने का ठीक है। ये मुझे अच्छा लगा, ये उन्होंने देखो हैजार्ड लगवाई है 350 रुपये में ये, और पीछे देखो इसकी लाइट जो है ना ये ब्रेक दबाने पर चलती है, ब्रेक दबी भाई, ब्रेक दबा, देखो ये लुप लुप करने वाली लाइट है, ब्रेक दबा एक बार, दबाए रख देख रहे, मतलब कि तीन तीन चार चार बार लुप कर रही है, एक बार ब्रेक दबाने पर हट जा ठीक है। ये इन्होंने मतलब कि पूरा सिस्टम ये 50-60 रुपये में हो गया, क्योंकि यार इसमें तो बस एक हुई है, एक देखो ये लगा वैसे एक स्विच लगा और बाकी एक तार वार लगे होंगे, तो ये तो 50-60 रुपये में हो गया होगा। ये दो मॉडिफिकेशन हो चुकी है बढ़िया, और भाई तीसरी मॉडिफिकेशन तो भाई बहुत ही ज़्यादा कान फाड़ने वाली है, कौन गया ये देखो नॉर्मल हॉर्न है ठीक है, नॉर्मल भाई हॉर्न चेंज करो, देखो अभी हॉर्न चेंज करने के बाद आवाज़, किसका एक क्रेटा का किसका भाई, कौन सा ये भाई, हेला हॉर्न है और नॉर्मल करो ये नॉर्मल भाई, नॉर्मल ही सही यार, क्यों कान पड़ रहे हो, क्या दे रखा है स्विच दे रखा है भाई नीचे, अच्छा अच्छा छोड़ो छोड़ो भाई, तोड़ तोड़ मत दियो यार, अच्छे भैया की भाई के पर लेकिन मारेंगे तुझे ही भाई। देखो ये भी हॉर्न कितने में हो गया था भाई, हॉर्न का मुझे रेट पता नहीं यार, पर लेकिन हॉर्न भी अच्छा है। और भाई देखो पीछे ये ब्लैक वाली लगवाई है, पहले आती थी सिल्वर वाली, इसमें और ब्लैक लगवाई, इसके मुझे रेट पता नहीं है, 250 रुपये में लग गया था भाई, नॉर्मल सा है, मतलब ब्लैक में थोड़ा सा पेंट भी छूट रहा है, लेकिन कोई बात नहीं अच्छी लग रही है, इससे बाइक का लुक और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अगर ये उसमें होता ना सिल्वर क्रोम में तो यार अच्छी लगती ज्यादा, पर लेकिन ब्लैक से और अच्छी लग रही है, पूरी एकदम फुल्ली ब्लैक बाइक लग रही है। और भाई पांचवी सबसे बड़ी मॉडिफिकेशन, फुल्ली बॉडी पे लेमिनेशन हो रही है भाई। लेमिनेशन करवाने के भाई तुम्हें मैं फायदे हजार बार में समझा चुका हूँ लेमिनेशन के क्या क्या फायदे हैं, और नहीं समझते भाई देखो ये रहा, ये देख रहे हो ये हल्की सी गिरी स्क्रैच पड़ा, लेमिनेशन है इसलिए बच गई, अगर लेमिनेशन ना होती तो बाइक पे स्क्रैच आया था, बाइक को या तो तुम अपने इंश्योरेंस पे सही कराओ या फिर बाहर मार्केट में कराओ भाई, कम से कम भी 1000 रुपये लगेंगे अगर आपकी बाइक पे स्क्रैच आ जाए इसे सही कराने में। तो भाई लेमिनेशन बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा सेफ्टी करती है, देखो भैया को सामान रख के ले जाते हैं जिनकी बाइक है, तो यहाँ पे देखो तुम्हें स्क्रैच दिख रहे हैं, तो ये स्क्रैच सिर्फ लेमिनेशन पे आए हैं, अगर ये ना होती तो बाइक पे आते, बाइक का टैंक खराब बेकार। अभी देखो लोग ये अगर हम इस लेमिनेशन को हटवा देना तो अंदर से बाइक नहीं निकलने वाली है, लिख के ले रहे हो मेरे से भाई, इस साइड से देखो। अभी इसमें मॉडिफिकेशन करानी कह रहे हैं एलॉय लगवाएंगे, अगर एलॉय लगवाए तो मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा कौन से लगवाए कितने के लगवाए, वो बात हम मर्सिडीज वाले लगवा रहे हैं कितने में देखो पता चलेगी थोड़ा टाइम लगेगा। तो भाई एलॉय भी लगेंगे इसमें, और भाई बिल्कुल भैया जो जिनकी ये बाइक है उसे बिल्कुल एकदम रानी बना के रखते हैं भाई, देख रहे हो मतलब नहीं लग रही है, गंदगी भी नहीं है बिल्कुल, देखो हल्की फुल्की गंदी है, पर लेकिन इतनी गंदी नहीं है कि भाई कुछ बंदों की होती है 2-4 महीने बाद ही बाइक ऐसी हो जाती है कि बस देखने का मन नहीं करता उसे भाई। सीट कवर तो भूल ही गए हम, छठी मॉडिफिकेशन इसमें, और सस्ती मॉडिफिकेशन है लेमिनेशन, 500 रुपये में बताई थी उन्होंने मुझे, हैजार्ड लाइट बताई 350 रुपये में ठीक है, थोड़ा लोग आए थे तो कोई दिक्कत नहीं। और भाई इसके हॉर्न का प्राइस है 800 रुपये बताए थे यार, मुझे कन्फर्म नहीं, मैं भूल गया, हॉर्न की प्राइस देख लेना यार, है ना 50-60 रुपये में इन्होंने ये लगवा दिया था अपना, ये पीछे की लाइट जो थी डिप डिप करने वाली, सीट कवर यार 200 रुपये में आ गया होगा, 250 रुपये की ये है, मतलब सबसे सस्ती मॉडिफिकेशन है, और भाई सबसे अच्छी क्योंकि दिखने वाली मॉडिफिकेशन है, कोई भी ऐसी नहीं है, 2000 से ऊपर की मॉडिफिकेशन नहीं है इसमें, और भाई 2000 में बाइक में इतना चेंज आ गया देखो तुम, मतलब कि हैजार्ड भी है और नई बाइक है ये, इसमें मीटर भी अच्छे वाला आता है, ये मीटर दिखा दूँ मैं आपको, वैसे पिछली वीडियो में आपको दिखा दिया था, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है यार, और क्या लोगे, मतलब 95,000 इसका प्राइस है, और भाई 95,000 में से तुम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ले रहे हो, और क्या भाई मेरी में नहीं आई,
सोच रहे तुम अब। तो भाई बस आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही भाई, यही 5-6 मोटिफिकेशन थी जो इसमें सस्ती हैं और अच्छी हैं। और भाई मैंने पिछली वीडियो में बताया, इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत लोग होंगे जिन्होंने पिछली वीडियो देखी और ऐसे ही बहुत होंगे जिन्होंने ये वाली देखी। तो भाई देखो इसमें भाई ये भी यहाँ लग गया चार्जर, भाई चार्जर यार मेरी में भी आता है चार्जर तो, पर लेकिन भाई बहुत बढ़िया काम की चीज़ है अगर तुम लॉन्ग टूर पे जाते हो कहीं, जैसे मैं मथुरा गया था अभी राइड पे, तो भाई मैं दोस्त की बाइक से गया था N160, तो उसमें भी चार्जर था। अगर चार्जर ना होता तो भाई बहुत दिक्कत पड़ती चार्ज करने के लिए फोन, क्योंकि हर वक्त तो हम होटल में नहीं थे तो इसलिए यार बहुत दिक्कत पड़ती है। तो चार्जर भी अच्छी चीज़ है, ठीक है गाइस। और इसमें एलोएस लगेंगे ना, तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा भाई। बस तुम चैनल पर बने रहो मेरे और बेल आइकन ऑल पे कर दो, कि जब भी इंटरेस्टिंग बढ़िया वीडियो आए तुम्हारे पे सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। और यार एक बात से आप बेझिझक रहना कि चैनल पे कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि फालतू का कंटेंट है भाई, भाई कंटेंट आएगा एकदम बढ़िया सा। तो चले गाइस वीडियो करते एंड। भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई भूल जाते हो यार तुम, करना यार कर दिया करो यार, कैसे भूल जाते हो, इतनी लेट कैसे कर देते हो, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, भूला मत करो, जल्दी से करके आ जाओ। कर दिया, मैं देख रहा हूँ, तो पहले करो जल्दी, कर दिया। चलो भाई तो कर दिया, फिर जिन दिन ने कर दिया थैंक यू यार। तो चलो करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि यार गाड़ी आ गए सिखाने वाले तो बार बार डिस्टर्ब करेंगे यार वो हमें, फिर से फिर यहीं कट मारे यार, हरामी यहीं कट मार ले बार बार, अब यहाँ से मुड़ेगा ये, देखो यहाँ से मुड़ेगा, फिर हमें दिक्कत करेगा ये। तो चलो भाई खत्म करते हैं वीडियो को, बाय।